सो लास्ट क्लास में हमने क्लास 11th अकाउंट्स का सिलेबस का ब्रेकडाउन देखा था। तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चैप्टर 1 अकाउंट्स ऑफ 11th क्लास में हम चलते हैं। सो चैप्टर 1 का नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सो सबसे पहले इस चैप्टर में आप देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है नीड फॉर अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग का मीनिंग समझने से पहले आप ये समझ लो भाई जरूरत क्या पड़ी। अकाउंटिंग एक नॉर्मल सा मीनिंग है कि भाई जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करना, दैट इज अकाउंटिंग इन वेरी सिंपल टर्म्स। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, जो वेल डिफाइंड लैंग्वेज है, जो रियल सेंस में मीनिंग है, वो तो मैं आपको भी इस क्लास में बताऊंगी, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यू कैन से अकाउंटिंग इज जस्ट अबाउट रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन दैट ऑकर इन अ बिजनेस। सो नीड क्या, जरूरत क्या पड़ी अकाउंटिंग की, नीड फॉर अकाउंटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिखा है टू नो गेन और लॉस, कैपिटल इन्वेस्टेड, अमाउंट लाइबल टू पे और टू रिसीव। अब एक चीज बताओ, कोई भी बिजनेस सेटअप करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, ऑनर को या फिर जो भी उससे रिलेटेड बिजनेस वाले हैं या आपके एम्प्लॉयज हैं या फिर गवर्नमेंट है, उन सबको इंटरेस्ट है, दे वांटिंग टू नो कि आपका बिजनेस क्या प्रॉफिट कमाता है, क्या लॉस है, और भी प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा और भी चीजें हैं, आपने क्रेडिट में कितना सेल किया, आपने उधार माल कितना दिया है, आपको इस पर्टिकुलर बंदे को कितने पैसे देने हैं, इस पर्टिकुलर बंदे से कितने पैसे लेने हैं। अगर आप इन सब चीजों को रिकॉर्ड नहीं करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, इस ह्यूमन ब्रेन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सब चीजें अपने दिमाग में भरता जाए और जब उससे पूछे वो सीधा आउटपुट निकाल दे। सो इस चीज को दूर करने के लिए अकाउंटिंग को लाया गया। अकाउंटिंग में हम वेल डिफाइंड जो भी ट्रांजेक्शन हमारे होते हैं हम उसको वेल डिफाइंड मैनर में रिकॉर्ड करते हैं ताकि कल को हमें एकदम क्लियर पिक्चर पता लगे कि भाई हमने क्या प्रॉफिट कमाया या क्या लॉस हुआ हमारे बिजनेस में, हमने उधारे परचेज कितनी करी है, हमने सेल कितनी की है, उसमें से कैश कितनी है, क्रेडिट कितनी है, इस फलाने बंदे को कितना पैसा देना है, इस फलाने बंदे से कितना पैसा लेना है। सो इन सब चीजों के लिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। सो सेकेंड चीज, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी ईटीसी। अब एक चीज बताओ, गवर्नमेंट ने सभी बिजनेसमैन पे, आप देखते हो आप कोई भी सामान परचेज करते हो तो उसके ऊपर जीएसटी पे करके आते हो, तो सेम अब आपने अगर सामने वाले बंदे को जीएसटी पे किया है तो वहां पे उसकी लाइबिलिटी है कि वो उसमें से अपने कैलकुलेशन करके उस पर्टिकुलर अमाउंट में से एक अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है। अभी आप एक चीज बताओ, ये कैलकुलेशन कैसे पॉसिबल है अगर वो अपने ट्रांजेक्शन को जो डे बाय डे करता जा रहा है अगर उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेगा तो। तो अगर आपको इनकम टैक्स, जीएसटी या कोई भी पर्टिकुलर टैक्स है उसको उसको कैलकुलेट करना है, उसको असेस करना है, उसको पेमेंट करना है, तो इस सब चीजों के लिए भी आपको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। यानी कि एक रिकॉर्ड तो आपको चाहिए ही होगा कि आपने भाई कितनी सेल्स की, कितनी परचेज की, कितना जीएसटी कलेक्ट किया है, कितना पे किया है। ओके, सो नेक्स्ट इज नीड फॉर अकाउंटिंग इज एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ व्हेन एवर नीडेड। अब मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बताती हूँ, जैसे किसी भी कंपनी है या फिर कोई भी बिजनेस है उसका केस खुलता है इनकम टैक्स में, तो वहां पे रिकॉर्ड्स मांगे जाते हैं कि चलो आप बताओ आपकी कितनी सेल्स है, तो आप कैसे बता पाओगे अगर आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड जो आप करते हो, अकाउंटिंग जो आप करते हो, ये एज अ प्रूफ मानी जाती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। गॉट इट? सो द नेक्स्ट पार्ट इज हेल्पफुल इन टेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजंस। बहुत सारे बिजनेस में डिसीजन होते हैं कि गुड्स की कॉस्ट क्या रखनी है, हमें मार्केट में कंपटीशन कैसे चल रहा है, उससे कैसे कम्पीट करना है, ये सब चीजें बहुत सारे डिसीजन है जो हमारे रिकॉर्ड्स पे डिपेंडेंट है। अगर रिकॉर्ड हमारे पास होंगे तो वो डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करेंगे। सो देयरफॉर हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी। सो इन सब चीजों को समझने के बाद आपको ये चीज क्लियर होगी होगी कि अकाउंटिंग की नीड क्यों पड़ी। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारे इस चैप्टर में है, दैट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सो एक सिंपल टर्म में तो मैंने आपको बता दिया था रिकॉर्डिंग, बट इससे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का जो हम अभी इसमें वन बाय वन सीखते हैं। सो एक बार मैं इस डेफिनेशन को पढ़ती हूँ। डेफिनेशन दी गई है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने ये डेफिनेशन दी है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड आर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ।
सो अभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, एक एक करके इसको एकदम डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के समझ के हम चलते हैं। सो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आप एक सिंपल सी बात बताओ कि आर्ट क्यों बोला। आर्ट मीन्स टेक्निक। जो भी आर्टिस्ट होता है उसके पास टेक्निक होती है उस पर्टिकुलर काम को वेल मैनर में, एकदम बेस्ट पॉसिबल मैनर में करने की उसके पास एक टेक्निक होती है, दैट्स व्हाई हम उसे आर्टिस्ट बोलते हैं। ठीक है, सो अकाउंटिंग भी एक आर्ट है। इसमें भी आप एक टेक्निक सीखोगे कि जो भी बुक्स है बिजनेस की वो कैसे बनाई जाती है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसकी एक पर्टिकुलर टेक्निक आपको सिखाई जाएगी। सो अकाउंटिंग इज द आर्ट क्लियर ऑफ रिकॉर्डिंग। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप में जितने भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में होते हैं, डे टू डे हमारे पास ट्रांजेक्शन होते हैं, सेल करते हैं हम, परचेज करते हैं, या फिर किसी को उधार सामान बेच दिया, किसी से उधारी कर ली, उससे पैसे लेने हमें, तो ये सब चीजें ट्रांजेक्शन जो हमारे होते हैं उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले सेल की हाँ भी रिकॉर्ड कर लिया, परचेज की हाँ भी रिकॉर्ड कर लिया, सैलरी पेमेंट कर ली हाँ भी रिकॉर्ड कर लिया, रेंट पे किया रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया, देन क्लासिफाई। अब इन सब ट्रांजेक्शन को हम एक जगह लेके आए, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि इन रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजेक्शन को हम क्लासिफाई करेंगे। एक लेजर करके हम बनाते हैं, ये चीज आपको अभी समझ नहीं आएगी बट जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होता चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल्स हमने जो किया है तो सेल्स को हम अलग क्लासिफाई कर देंगे। मान लो कुछ वापस भी आया है तो सेल्स रिटर्न अलग हो जाएगा, कुछ परचेज है तो परचेज अलग चला जाएगा, परचेज रिटर्न है अलग चला जाएगा, सैलरी है तो वो अलग हेड में चला जाएगा, आपका रेंट है तो वो अलग हेड में चला जाएगा। यानी कि जितने भी आपके रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है उसको आप अब क्लासिफाई कर रहे हो। तो रिकॉर्ड किया, फिर हम क्या करते हैं, क्लासिफाई एंड समराइजिंग। अब क्लासिफाई करने के बाद एक समरी प्रिपेयर करते हैं, यानी कि समरी मतलब ये समझ लो कि अब हम उससे एक एंड रिजल्ट निकालते हैं। एंड रिजल्ट मैंने क्या हमें प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, किसको कितना पे करना है एंड ऑफ द ईयर, किससे कितना रिसीव करना है, हमारी कैपिटल कितनी थी। अब कैपिटल का भी मतलब नहीं पता, हम आगे सीखेंगे। ओके, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब सबसे मेन बात है कि इन टर्म्स ऑफ मनी हम रिकॉर्ड करेंगे। अब जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 चेयर्स परचेज करी, तो 20 चेयर इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कितनी वैल्यू में खरीद के लेके आए हैं। 20 चेयर मान लो फॉर एग्जाम्पल एक चेयर में 1000 की, तो यानी कि 20,000 की मेरी चेयर्स का अमाउंट हुआ, तो उस अमाउंट पे मैं उसको रिकॉर्ड करूंगी। यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होंगे उसको मॉनेटरी टर्म्स में यानी मनी के टर्म्स में हम रिकॉर्ड करेंगे। गॉट इट। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। ट्रांजेक्शन यू गॉट इट, लेन देन जो भी सेल परचेज हमारे बिजनेस में होता है, एंड इवेंट में क्या होगा, इवेंट में फॉर एग्जाम्पल आग लगी, उससे हमारे स्टॉक को नुकसान होगा, तो उसको भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि उसका फाइनेंशियल नेचर है, उससे हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा है। सो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। अब सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो भी ट्रांजेक्शन है हम वो ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के है। फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब जिसमें मनी इन्वॉल्व है, जो मतलब मनी के फॉर्म में हम लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर है, कंपनी में दो बंदे हैं, दो एम्प्लॉयज के बीच में लड़ाई हो गई, अब उसको तो मॉनेटरी टर्म्स में लेके नहीं आ सकते कि भाई इससे इतना हमारे बिजनेस क्या इफेक्ट पड़ा, तो इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं होगा। मान लो हमारे बिजनेस में स्ट्राइक हो गई तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कि फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए हमारे ट्रांजेक्शन का। गॉट इट। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। उसके बाद हमने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, ये गेन है लॉसेस, के बाद हम रिजल्ट जो हमारे पास आए हैं उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, उससे समझा जाएगा कि अब फ्यूचर में क्या डिसीजन लेने हैं। और जितने भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड यूजर्स है, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयज है, सप्लायर्स है, या डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, कुछ नए वर्ड्स भी मैं यूज करूंगी धीरे धीरे आप समझोगे, तो उन सबको रिजल्ट्स जो हमने निकाला इंटरप्रेट किया उसको कम्युनिकेट किया जाएगा। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सिंपल टर्म्स में अकाउंटिंग इज एन आर्ट, सबसे बड़ी बात ये एक टेक्निक है, इसमें हम टेक्निक सीखेंगे ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी, और वो कौन से होने चाहिए, फाइनेंशियल कैरेक्टर के, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। गॉट। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में। सो अभी हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ के आए, उसको हमने डिटेल में तोड़ तोड़ के सीखा। अब आप देखोगे जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग हम पढ़ने वाले हैं, इसमें मेजर पॉइंट्स आपके वहीं से कवर हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम देखते हैं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। हमने देखा था अकाउंटिंग आर्ट। आर्ट क्यों है, क्योंकि
अकाउंटिंग में हम काफी सारे टेक्निक सीखेंगे कि ट्रांजेक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इट इज अ साइंस। साइंस क्यों बोला, क्योंकि आप जब साइंस पढ़ते हो आपने देखा होगा कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिसपे साइंस चलती है। सेम आप जब अकाउंटिंग करेंगे तो कुछ प्रिंसिपल है वेल डिफाइंड जिनके बेस पे हमें अकाउंटिंग करनी होती है। दैट्स व्हाई बोला गया अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। गॉट इट। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। मैंने आपको डेफिनेशन में भी ये पार्ट था और वहां पे मैंने आपको क्लियरली बताया था वही ट्रांजेक्शन हम इंक्लूड करेंगे, उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम अकाउंट फॉर करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, जिसमें मनी इन्वॉल्व है, जिसका इम्पैक्ट हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। पर जितने भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, स्ट्राइक हो गई, दो लोगों की आपस में बिजनेस में लड़ाई होगी, तो उन सब चीजों के इम्पैक्ट को हम क्लियरली बता नहीं सकते कि इतने अमाउंट का हमारे मॉनेटरी नुकसान हुआ है। तो दैट्स व्हाई जो नॉन फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। सो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। थर्ड पॉइंट इज रिकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी। अभी मैंने डेफिनेशन में ऑलरेडी आ चुका है बट मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जितने भी ट्रांजेक्शन है हम उनको मॉनिटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स में। जब आप अभी देखोगे हम अकाउंटिंग प्रोसेस को सीखेंगे धीरे धीरे, हम प्रैक्टिकल पार्ट पे भी जाएंगे, तब आप देखना आप अपनी बुक्स को पलट के देखना सिर्फ नंबर्स 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 20,000 30,000 लाख लाखों में करोड़ों में आप खेलोगे। सो अकाउंटिंग जो होती है उसमें रिकॉर्ड किसमें होता है, इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग। मैंने आपको बताया था सबसे फर्स्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने के बाद हम ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करते हैं, एक जगह पे हम ले आए उसको सेल्स को, सेल्स को परचेज को, परचेज पे परचेज, रिटर्न, इस तरह से मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किए फाइनली क्लासिफाइंग वाले लेवल पे आके हम उसको क्लासिफाई कर देंगे। परचेज को परचेज में भेज दिया, सेल्स को सेल्स में भेज दिया, रिटर्न्स को रिटर्न्स में डाल दिया, आपने सैलरी पे किया वो सैलरी में चला जाएगा, रेंट पे किया वो रेंट में चला जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट इज समराइजिंग। समराइजिंग में क्या, क्लासिफाई करने के बाद एक हम समरी प्रिपेयर करेंगे जिसके बेस पे हम रिजल्ट अराइव करेंगे। गॉट इट। एंड द नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स आपने प्रिपेयर किए उसको इंटरप्रिट करेंगे कि इससे मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको प्रॉफिट हुआ है तो इट विल वर्क एज अ मोटिवेशन फॉर यू, और ज्यादा कैसे कर सकते हैं वो डिसीजन आप लोगे। आपको लॉस आ रहा है तो आप इंटरप्रिट करने की कोशिश करोगे कि भाई क्या रीजन है कि मुझे लॉस आ रहा है, क्या रीजन है, वो हम पता करेंगे। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग। ये हम नेक्स्ट पार्ट में जब हम चलेंगे इस क्लास के इस चैप्टर के, तो हम देखेंगे कि हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं, इंटरनल भी होते हैं एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल में कौन कौन आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज है, ऑनर है, दीज आर इंटरनल टू आर बिजनेस। वो इंटरेस्टेड है, उन्हें जानना है कि हमारे प्रॉफिट, हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। सो देर आर सम इंटरेस्टेड यूजर्स। गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है क्योंकि उसे टैक्स कलेक्ट करना है। सो इंटरेस्टेड यूजर्स को क्या करने पड़ते हैं, रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे फिनिश होता है। तो आज के लेक्चर में हमने तीन चीजें सीखी कि अकाउंटिंग की नीड क्या है, फिर हमने सीखा कि वेल डिराइव्ड हमने एकदम क्लियरली मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है वो सीखा, एंड नेक्स्ट पार्ट में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग सीखा और उसमें ये भी देखा कि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो है हमारे वो डेफिनेशन से ही कवर हो चुके हैं। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के चैप्टर्स को करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।